लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बख़ैर वफ़ियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और घर पे आके तो बड़े अरसे के बाद जिसे कहते हैं कि वो घर का नाश्ता जो है वो करना नसीब हुआ, और वहाँ पे तो वो होटलों वाला सीन होता है। तो मैं वैसे भी आजकल बड़ी बैटिंग चैटिंग करता हूँ, बट ये अब जिसे कहते हैं ना देसी घी के पराठे और देसी अंडे और अला बदा, ये सारा कुछ जो है वो मुझे खाना पड़ रहा है। और ये रिकॉर्डिंग मैं जस्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो लोग बातें करते हैं कि बस एयरपोर्ट पर उतरा तो धर लिया जाएगा, तो इश्तिहारी हो गया, तो फलाना हो गया, तो टीरा हो गया, तो ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि अब भी वक्त है, इंसान के बच्चे बन जाओ। कब तक झूठ बोलोगे, कब तक लोगों को गुमराह करोगे? तो इसके अलावा इस वीडियो का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ उन लोगों को शीशा दिखाना है, उन लोगों के लिए बताना है कि वो सिर्फ उनकी बातें होती हैं, वो फड़े होती हैं। पाकिस्तानी इदारे इतने अंधे नहीं हैं कि वो ऐवें ही उठ के जिसे कहते हैं ना कि किसी की कंप्लेंट के ऊपर जो है वो कुछ कर दे। वो पहले एविडेंस देखते हैं और फिर, और इदारों को भी पता है कि ये सारे के सारे ब्लैकमेलर्स हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, होता इनके पास कख भी नहीं है। इदारों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना तो खैर उनका वक्त माशाल्लाह 24 घंटे के वो फ्री हैं, और साथ साथ वो आप लोगों को भी इंगेज रखने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ उनकी असलियत आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, इश्तिहारी FIRें हो गई, फलाना हो गया, टीरा हो गया, बस फलानी लिस्ट में उसका नाम आ गया है, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे वो लैंड करेगा तो बस धर लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ और रिकॉर्ड आपके सामने है, एंड दैट्स ऑल। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोस इस किस्म की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। अल्लाह हाफिज़।